हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेयर 3 एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम 8 और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं आज आपके 8 में से कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और इसमें जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में कमेंट करके बताया था मुझे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो कम से कम उसमें 250 प्लस कमेंट कल के वीडियो में मुझे मिले थे। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों का उत्साह भी मुझे दिख रहा है। तो आप लोगों का उत्साह मुझे कमेंट से दिखता है और आपके लाइक से दिखता है। ठीक है, तो आज के भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप कल दोपहर तक इसको 500 प्लस इस पर कमेंट करते हैं, तो आप जैसे ही 500 प्लस कमेंट होंगे आपके पास अगला वीडियो आएगा, और जो होगा 20 नंबर के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको मेरे लिए इतना सा काम करना है कि बस 500 लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आपके 2, 3, 4, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल आपसे आप जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा हुआ ना या फिर नहीं हुआ, ये चीज़ भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा 500 प्लस कमेंट होने चाहिए कल 12 बजे तक, और जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी आपको 20 नंबर का एक नया वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका टास्क है, कंप्लीट टास्क। तो संजय इज़ ब्लैंक बेटर टुडे। अब यहाँ पर लिखा है संजय इज़ फेयरली वेरी बेटर टू बेटर रैदर बेटर। तो देखिए यहाँ पर बेटर जो है, बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा रैदर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है रैदर। अगर आपका एक नंबर सही लिखा आया हो तो एक नंबर डाल लीजिए, अदरवाइज क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा संजय इज़ रैदर बेटर टुडे। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर्क ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं कि डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट, प्रेजेंटली, हार्डली और हार्ड। अब देखिए क्या लिखा है, ही एंड हिज फ्रेंड वर्क डिलीजेंट। अब यहाँ पर वर्क एक वर्ब है, वर्ब के बाद मुझे ज़रूरत है एडवर्ब की, पहली बात तो ये मुझे पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत है तो डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यहाँ पर आएगा नहीं, वर्क प्रेजेंटली यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकाल रहा है, हार्डली और हार्ड बचा। अब देखिए हार्डली, लोगों को लगता है कि वर्क हार्डली, जैसे कि हम किसी भी में एलवाई लगा देते तो एडवर्ब बन जाता। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक जैसा ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा हार्ड, वर्क हार्ड, हार्डली नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्क हार्ड, ठीक है, और एक मैंने लिखा हार्ड वर्क, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो वर्क हार्ड और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए वर्क हार्ड, तो वर्क एक वर्ब है और वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कीजिए, तो ये हार्ड जो है ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब आ गया। और हार्ड वर्क में ये जो वर्क है ये एक नाउन है, और हार्ड जो है ये क्या है आपके पता है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये जो वर्क है ना ये बहुत ही क्या है, हार्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिस बॉक्स इज ब्लैंक लाइट फॉर यू टू लिफ्ट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए आपका इसका सही जवाब क्या है, मैं थोड़ा सा आपके लिए वेट कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप बताना इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे सर इसका सही जवाब है टू, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलेंगे सर यहाँ छोटा टू है इसलिए यहाँ बड़ा टू आएगा। तो यही मानसिकता हम लोगों की बनी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं कि रटते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए लाइट लिखा हुआ है, लाइट का मतलब होता है हल्का, तो यह बैग इतना हल्का है कि तुम इसे आसानी से उठा सकते हो, राइट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ वेरी लगाएंगे। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पर लाइट दिया है ना, अगर यहाँ पर हैवी देता वो, तो यह बॉक्स इतना हैवी है कि तुम उसे उठा नहीं सकते, नहीं सेंस आ रहा है, तो तब जाके यहाँ क्या आएगा टू। तो दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, लेकिन वेरी लाइट टू लिफ्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ कंपेरेटिवली अ प्लेन। ठीक है, अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आपके लिए। दिस इज़ कंपेरेटिवली अ ब्लैंक पेन, तो चीपर, चीपेस्ट, बेटर या चीप। तो दिस इज कंपेरेटिवली अ ब्लैंक पेन, तो चीपर पेन नहीं, चीपर होगा नहीं क्योंकि ए लगा हुआ है, चीपेस्ट नहीं, बेटर पेन, दिस इज कंपेरेटिवली अ बेटर पेन नहीं, तो दिस इज कंपेरेटिवली अ चीप पेन, तो यहाँ पर आ जाएगा चीप। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वॉज नॉट इनफ। ऑप्शन है वेरी लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वॉज नॉट इनफ, वेरी लिटिल, लिटिल, द। देखिए अब सबसे पहले पुलिस हैड, तो हैड से पता चलता है जितना है सब कुछ, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है तो जितना है सब कुछ के लिए मीनिंग आता है द लिटिल। तो इसका सही जवाब होगा द लिटिल इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वॉज नॉट इनफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो आप टिक लगाते जाइए, ठीक है। बाकी ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने नंबर आए हैं। भले आपके एक नंबर भी आया है तो बताइए, दो भी आए हैं तो भी बताइए, जितने भी आए हैं कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। जो जो भी आप आज कमेंट बॉक्स में जाके उनके नंबर लिखेंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है, ठीक है। चलिए, दिस सम इज़ डिफ़िकल्ट देन दैट। तो दिस सम इज़ डिफ़िकल्ट, तो वेरी डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट। तो दिस सम इज़, देखिए यहाँ पे देन लिखा हुआ है, और देन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर हम यहाँ लगाएंगे मोर, तो मोर डिफ़िकल्ट देन दैट। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई शैल टेल यू व्हेन शी ब्लैंक। ये तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब टिकाऊ और अच्छा क्वेश्चन है। अब जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आई शैल टेल यू व्हेन शी ब्लैंक, व्हेन शी विल कम, व्हेन शी कम, व्हेन शी केम, या व्हेन शी कम्स। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। आई शैल टेल यू व्हेन शी, तो व्हेन शी के बाद आ जाएगा यहाँ पे कम्स, क्योंकि जब इधर फ्यूचर आता है तो इधर प्रेजेंट आता है। ठीक है, अगला, शी बिकेम ब्लैंक, शी बिकेम एंग्रीली, शी बिकेम वाइजली, बैडली, एंग्री। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको जल्दी से बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा, आपको लग रहा होगा एंग्रीली, लेकिन ये तीनों गलत है। इसका सही जवाब होगा शी बिकेम एंग्री। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए 8 क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके कल जितने जल्दी अगर आपके 500 कमेंट आते हैं, अगर आज रात को भी आते हैं 12 बजे, तो आपको 1 बजे अगला वीडियो मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है, बस ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी चाहते हैं। उसमें 200 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल फैंटास्टिक क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें से भी हम देखेंगे कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं हम कल के वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, इसके पहले आज मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूँ, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे। तो पहला वर्ड आपसे पूछता हूँ मैं कि एबडिकेट का मतलब क्या होता है। एबडिकेट, तो देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है। एबडिकेट का मतलब होता है लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, या फिर इसको हम एक और क्या बोलते हैं, एबेंडन। क्या बोलते हैं, एबेंडन, एबेंडन, एबडिकेट और लीव, और इन तीनों का मतलब होता है छोड़ना। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे। मर्डर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, मर्डर ऑफ किंग, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मर्डर, मर्डर ऑफ किंग। ये मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में, और देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है मर्डर ऑफ किंग। चलिए चार ऑप्शन भी दे देता हूँ मर्डर ऑफ किंग, याद रखिएगा। ठीक है, इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। दूसरा ऑप्शन है रेजिसाइड। तीसरा ऑप्शन है पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। और चौथा ऑप्शन है फिलिसाइड। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं तो मैं जल्दी से जल्दी और वीडियो अपलोड करता हूँ। तो पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड, फिलिसाइड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ। द पर्सन हु लव्स बुक्स, इसको मैं बताऊँ आपको, द पर्सन हु लव्स बुक्स, इसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफिल, द पर्सन हु लव्स बुक्स। देखिए ये जो फिल है ना, ये रूट वर्ड है लव का, और ये जो बिब्लियो है ना, ये रूट वर्ड है बुक्स का। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा। चलिए एक और पूछता हूँ आपसे मैं। फियर ऑफ, फियर ऑफ हाई प्लेस, फियर ऑफ हाई प्लेस, इसको क्या बोलते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। फियर ऑफ हाई प्लेस, इसके ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। पहला है लेट्रोफोबिया, लेट्रोफोबिया।
इसके बाद में एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, फियर पूछा ना मैंने, हाँ तो लेट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, चलिए दो ही ऑप्शन देता हूँ, इन दोनों में से बताना आप कौन सा सही है, लेट्रोफोबिया या एक्रोफोबिया, ठीक है। चलिए तो ये आपके वोकैब भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, तो अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं इंग्लिश की, हिंदी की और पेडागोगी की, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन लिख सकते हैं, 9685907049, इस फ़ोन पर आप लिखिए, व्हाट्सअप करें और लिखें ज्वाइन, तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इसका शुल्क आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।